सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रोजेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब दूसरे भाव में सूर्य और शनि विराजमान होते हैं तो उसका क्या फल होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, दूसरा भाव होता है धन, कुटुंब और वाणी का। तो ऐसी अवस्था में अगर सूर्य और शनि दोनों ही पिता पुत्र हैं और दोनों ही एक दूसरे के, जिसको कहते नहीं, डाई हार्ट एनिमी, परम शत्रु हैं, और यहाँ पर स्थिति इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि सूर्य और शनि जो है दूसरे भाव में व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, क्लीन कट बात करना पसंद करते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने काम को करने के लिए किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, यानी शाम दाम दंड भेद हर तरह के काम को यूज़ करते हैं अपने काम को निकालने के लिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ही रौब झाड़ते हैं और उनसे ज़बरदस्ती हो या मारपीट करके हो, किसी भी तरह से हो, अपना काम ज़रूर निकाल लेते हैं। सपोज़ अगर इनके छोटे भाई के पास कुछ पैसे हैं या बहन के पास कुछ पैसे हैं और अगर ये मांगने पे उनको नहीं मिलता वो पैसा, तो ये ज़बरदस्ती उनसे छीन लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बड़े होकर कुछ इल्लीगल कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे लोगों का करियर जो होता है वो होता है स्मगलिंग में, ब्लैक मार्केटिंग में, और स्पेशली जो लोग शनि प्रधान है, यानी कि अगर लग्नेश शनि जो है वो धन भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, तो ऐसे अवस्था में ऐसे लोग तेल की कालाबाजारी करेंगे, लोहे की कालाबाजारी करेंगे या फिर किसी भी तरह के मैकेनिकल प्रोडक्ट की कालाबाजारी करेंगे। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जो है वो तेल में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो खाद्यान्न तेल हो या फिर जलाने वाला तेल हो, या जलावन के कार्य में जो तेल या गैस यूज़ होता है उसका भी काम जो है ये इल्लीगल रूप से करते हैं। कई बार ये ब्लैक मार्केट में इस तरह से छाए हुए रहते हैं कि वो अपनी सांठगांठ बहुत दूर दूर तक बना के रखते हैं। अगर कभी भी ऐसा उनको पहले से भनक लगा कि उनके पीछे कानून व्यवस्था पड़ी हुई है, तो बहुत क्लीन कट तरीके से वहाँ से निकल के आते हैं। और स्पेशली वहाँ पर बुध या गुरु विराजमान हो तो ऐसे लोग समझ लीजिए कि लीगल तरीके से वो इलीगल काम कर लेते हैं, जिस वजह से कानून व्यवस्था इनको पकड़ नहीं पाती। दूसरे भाव में शनि और सूर्य जो है अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कराते। अक्सर ऐसे लोग अपनी पत्नियों के गलती के ऊपर या फिर अपने लाइफ पार्टनर के गलती के ऊपर इतने ज़्यादा झल्लाते हैं या फिर कई बार वो आक्रामक भी हो जाते हैं। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग हाथापाई पे भी उतरते हैं और इनके स्पाउस जो होते हैं वो बेचारे डरे सहमे से रहते हैं और इनकी बात को मानते भी हैं और इनके सामने ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करते। दूसरे भाव में सूर्य और शनि जो है व्यक्ति को थोड़ा सा कंजूस बनाते हैं। हालांकि वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि दूसरों से पैसे कैसे निकाले जाए, या फिर अगर कोई इनके पड़ोस में या इनके दोस्ती यारी में कोई तरक्की कर रहा हो या फिर इनके रिश्तेदार में कोई तरक्की कर रहा हो तो इनका ध्यान बहुत जल्दी उधर चला जाता है और थोड़ा सा जलसी भाव भी आता है। और हमेशा इनकी ये मंशा रहती है कि अपने पैसे को खर्च ना करके दूसरों का पैसा किस तरह से यूज़ किया जाए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं और भूल भी जाते हैं, और एग्जैक्टली वही सेम चीज़ वो दूसरों से अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग भी इनकी गलतियों पर माफ़ करें और दिल साफ़ करें। ये अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, या एक तरह समझ लीजिए कि अपने बच्चों को अपने ही अधीनस्थ रखना चाहते हैं या अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, बशर्ते कि दूसरे, मतलब पड़ोसी के बच्चे या अपने रिश्तेदारों को बच्चों को वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरे भाव में शनि और सूर्य जो है व्यक्ति को ऐसे प्रोफेशन में डालते हैं जहाँ पर खनन का कार्य, ज़मीन से निकलने वाली कोई भी वस्तु, एग्रीकल्चर प्लस जो एग्रीकल्चर के लिए लेबर यूज़ होता है उसकी सप्लाई प्लस मैन पावर की सप्लाई,
अगर वहां पर मंगल विराजमान है तो ऐसे लोग सिक्योरिटी ऑफिसर भी बनते हैं या फिर बड़े किसी सिक्योरिटी कंपनी के अच्छे से स्थापक भी बनते हैं और कई बार डिफेंस में भी जाते हैं। दूसरे भाव में शनि और सूर्य जो है व्यक्ति को खनन से रिलेटेड हो या लोहे से रिलेटेड हो या तेल से रिलेटेड हो उस तरह के मिलावटी काम या इलीगल काम या कालाबाजारी वाला काम भी करवाते हैं। हालांकि ये लोग एक टाइम तक बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं लेकिन कई बार इनकी स्थिति ऐसी भी होती है कि इनको जेल के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। बट सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये थोड़े से होशियार होते हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा समय तक कानून व्यवस्था के अंडर में रहना नहीं पड़ता। कोई ना कोई तिकड़म निकाल कर ये कानून व्यवस्था से आज़ाद भी हो जाते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके दूसरे भाव में सूर्य और शनि विराजमान है कि नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोजेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाएं।